दोस्तों क्रिकेट में बहुत तरह की आउट दिया जाता है, जैसे कि कैच आउट, स्टंप्ड आउट, बोल्ड आउट, रन आउट, और ऐसे ही और एक महत्वपूर्ण आउट होता है जो कि है LBW, लेग बिफोर विकेट आउट। तो इसमें क्या होता है आप जानते ही है, बॉल विकेट से टकराने से पहले अगर पैड पे टकरा जाता है और वो पैड विकेट के सामने रहता है तो उसे LBW करार दिया जाता है। लेकिन अभी जो किया जाता है उसमें कुछ नया एडिशन हुआ है, जैसे कि जो बॉल टप्पा खाता है यानी जहां पर ड्रॉप खाता है वो अगर विकेट लाइन से थोड़ा बाहर रहता है तो उसे आउट करार नहीं दिया जाता है। ये क्यों नहीं दिया जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों क्रिकेट में जो LBW होता है और उसमें विकेट लाइन से बाहर अगर बॉल टप्पा खाता है तो उसके ऊपर कुछ विचारधारा है जो कि ICC के लॉ नंबर 36 में लिखा हुआ है, जो कि LBW का लॉ है। और उसमें बताया गया है लेग स्टंप के बाहर अगर पिच करता है, लेग स्टंप लाइन के बाहर अगर पिच करता है तो उस बॉल को कंसीडर नहीं किया जाएगा एज ए आउट। जी हाँ, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। बॉलर मान लीजिए अंपायर की लेफ्ट साइड से यानी ओवर द विकेट से बॉलिंग कर रहा है और वहां पर बैटिंग कर रहा है एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो अंपायर की ओर से बैट्समैन की लेग साइड होगा लेफ्ट तरफ और ऑफ साइड होगा दाहिने तरफ। तो ये जो पिचिंग लाइन होगा यानी विकेट जो लाइन होगा, लाइन के लेफ्ट साइड पे लेग स्टंप होगा। तो मान लीजिए एक बॉल विकेट लाइन की लेफ्ट साइड पे पड़ता है थोड़ा बाहर, तो उस बॉल को ट्रेवल होके जाना होगा बैट्समैन के बैट तक। लेकिन बैट्समैन के बैट तक जाने में उन्हें पहले क्रॉस करना होगा बैट, उसके बाद पैड, यानी पहले पैड आएगा और बैट, क्योंकि लेफ्ट साइड से बॉल हो रहा है और बैट्समैन लेफ्ट है तो जो एंगल आएगा वो पहले पैड होगा उसके बाद बैट होगा। तो बॉल अगर पैड में लग भी जाए तो उसे आउट नहीं करा दिया जाता है, क्योंकि ICC का कहना है यानी रूल बुक में लिखा हुआ है कि बॉल को लेग स्टंप से जब ऑफ स्टंप में जा रहा है राउंड द विकेट से बॉल करते हुए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, तब उसे मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अगर राइट हैंडेड बैट्समैन होता है जो कि सेम बॉलर बॉलिंग अगर करता है तो वो बॉल पहले बैट उसके बाद पैड की ओर जाएगा, तो ऑफ साइड के बाहर अगर बॉल गिरता है तो वो बॉल कंसीडरेशन में लिया जाता है। यानी सिंपल सी भाषा है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए कोई बॉलर ओवर द विकेट बॉल करे और वो विकेट लाइंस की लेफ्ट में हो तो वो नॉट आउट करार दिया जाएगा, और राइट हैंड बैट्समैन के लिए कोई बॉलर को राउंड द विकेट बॉल करना होगा और अगर लेग स्टंप के बाहर पीटता है तो उसे नॉट आउट करार दिया जाएगा। ये है फंडा। तो दोस्तों क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जल्द लिखा दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।